इधर आ जाओ आ जाओ हाँ क्या 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 रील्स बस ओनली रील्स क्या रील्स देख रहे हो तो यस yes. डाउनलोड नहीं करना है नहीं नहीं उतना उतना सब? स्पीड है ही नहीं है नेट में तो डाउनलोड क्या करेंगे अच्छा करते क्या हैं आप करते अभी स्टूडेंट है पढ़ते हैं आर्मी का तैयारी कर रहे थे तो एग्जाम था तो ये टी लग गया सब कैंसिल हो गया कितना उम्र तो हो गया आपका मेरा लगभग उन्नीस वर्ष तो आर्मी तैयारी कर रहे थे आप में फिजिकल मेडिकल हो गया था एग्जाम होना वो जो आप सबका फंसा हुआ था ना डेढ़ साल से कोरोना के चक्कर में एग्जाम होना था तो सब कैंसिल हो गया हाँ तो फिर से अब टीओडी में चार साल के लिए जाना पड़ेगा जाएंगे उसमें उसमें क्या जाना है सर उसमें तो पेंशन भी नहीं है जो मान लीजिए जो विधायक हो रहा है पाँच साल उसको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा और जो देश का सेवा कर रहा है उसको पेंशन नहीं मिलेगा ये क्या है गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट है क्या सर जो विधायक है वो पाँच साल विधायक रहा और जिंदगी भर पेंशन लेगा और जो देश का सेवा कर रहा है वो बस चार साल के लिए और उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा ये तो सर गलत है तो विधायकों का पेंशन बंद कर दिया जाए तो ठीक रहेगा आपके लिए जब तो आप चार साल के टी से कोई दिक्कत नहीं है हमको टी से सर दिक्कत नहीं है अगर जब रूल लग रहा है तो सब पे रूल, रूल लगे बस ये सेना पे क्यों लगेगा ये गवर्नमेंट को ये भी तो सोचना चाहिए कि जब लग रहा है तो मेरे जो ये पीएम का चुनाव होता है पाँच साल में होता है वो भी एक साल में कराए ना वो भी अपना चुनाव एक साल में कराए इस पर अपना नहीं सोचेगा बस इसमें सर ये सब पॉलिटिक्स है ये सब राजनीति है कैसी पॉलिटिक्स यार कैसी पॉलिटिक्स बताओ साफ समझाओ जो समझ में आता है तुमको तुम तैयारी तुम कर रहे हो इसलिए तुमको ज़्यादा समझ होगी ना मुझे मैं तैयारी नहीं किया था आर्मी की इसलिए तुम बताओ अपने नजरिए से पॉलिटिक्स ये है सर कि देखिए मान लीजिए जो देश का सेवा कर रहा है जिंदगी भर अपना जो सेवा अच्छा वो बोल रहे हैं कि हम छः महीना ट्रेनिंग देंगे फ़ौज को अच्छा से समझ मेरे पिताजी खुद फौज में है अभी वो ड्यूटी कर रहे हैं बीकानेर में उनका पोस्टिंग है ख़ुद फौज में है वो बोलते थे जब आते हैं छुट्टी तो बोलते हैं कि फ़ौज को अच्छा से समझने के लिए पाँच साल कम से कम लगता है वो बोल रहा है कि हम छः महीने में ट्रेनिंग दे देंगे वो सॉरी पापा किस पोस्ट पर हैं अभी वो जे सी ओ हैं जे सी ओ हैं है, बीकानेर में है पोस्टिंग है और वो बोल रहे हैं कि छः महीने में हम ट्रेनिंग दे देंगे छः महीने में वो क्या ट्रेनिंग देगा छः महीना में है? आर्मी मतलब क्या ट्रेनिंग क्या दे सकता है सर छः महीने में वो क्या ट्रेनिंग देगा जो जो अच्छे से फ़ौज को समझने में पाँच साल का समय चार साल का समय लगता है और वो बोल रहा है कि हम छः महीने में ट्रेनिंग देंगे मतलब वो देश को बनाना क्या चाहते हैं सर यही हमको नहीं समझ रहे देश को बनाना क्या चाहते हैं तब उनका नियत में कुछ खोट है मतलब वो क्या कर रहे हैं कि छः भर्ती करेंगे चार साल के लिए और उसको लाइसेंस देंगे और चार साल बाद निकाल देंगे राइफल थमा के चार साल बाद निकाल देंगे तो ये देश को बनाना क्या चाहते हैं देश को कुछ अलग प्रकार का बना रहे हैं इसीलिए तो चार साल का कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं तो अपने में भी तो करे विधायक को पेंशन ना दे विधायक एक बार विधायक रहता है और जिंदगी भर पेंशन लेता है ये कहा का नियम है एक बार बताइए हमको आपने विधायकों की बात की मेरा सवाल साफ सीधा सा है अगर विधायकों सांसदों की पेंशन बंद कर दी जाए ठीक है अगर तो क्या आपको फिर टी से कोई दिक्कत नहीं है तबाह हम जाएंगे तब टीओडी में जाएंगे हम तो अग्निपथ में जाएंगे अग्निवीर बनेंगे हाँ बनेंगे हम हाँ। क्यों नहीं बनेंगे सर उसमें भी मान लीजिए देश का सेवा कौन नहीं करना चाहता है सब करना चाहते हैं हम देश का सेवा करेंगे अगर ये सब बंद हो जाए तब तो, विधायक का पेंशन बंद हो जाए पी का पेंशन बंद हो जाए तब तो हम जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे और जब रूल लग रहा है तो सब पे लगे बस आर्मी पे ही क्यों लगेगा सब पे लगना चाहिए ना रूल ये जवानों पे क्यों लगे अफसरों पे क्यों नहीं लग रहा है अफसरों पे क्यों नहीं लग रहा है और उसमें लालच दे रहा है कि 25 परसेंट का मतलब हम रखेंगे तो 25 परसेंट में गरीब का बच्चा नहीं आएगा जो पैसा देगा उसमें वही 25 परसेंट में आएगा ये गरीब का बच्चा कभी 25 परसेंट में नहीं आएगा उसमें भी पैसा दे सकते हैं लोग पैसा देते हैं लोग उसमें भी पैसा देते हैं पैसा देकर आगे बढ़ेंगे जो ये गरीब का बच्चा है वो पच्चीस में नहीं आ सकता है जो अफसर का बच्चा होंगे वही पच्चीस में आएंगे पैसा देंगे पैसा देने के बाद उसको रखेंगे पच्चीस में गरीब का बच्चा को थोड़े नहीं रखेंगे उसमें रोहित जी नाम हाँ। थैंक यू रोहित जी बात करने के लिए तो रोहित जी बक्सर के रहने वाले हैं ये बिहार है और पीछे आ, यूपी है गंगा जी बह रही हैं बीच में से बलिया है लगता है ज़िला उधर जाएंगे तो गाजीपुर फिर उधर और गहरे पूर्वांचल में चलते जाएंगे ये बातचीत बड़े हल्के नोट से शुरू हुई थी कि यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है इधर इधर भीड़ दिख रही है और पंकज को अपने पीछे जो भीड़ दिखेगी कान में ईयरफोन वगैरह लगाए हुए वो लोग यहाँ पे गंगा के किनारे इंटरनेट चलाने आए हैं क्योंकि बक्सर में बिहार में बिहार के पंद्रह बीस जिलों में बंद है लेकिन यूपी के टावर से अभी भी नेटवर्क आ रहा है लेकिन बातचीत करते करते रोहित जी मिले रोहित जी भी यहाँ पे इंटरनेट चलाने आए थे लेकिन रोहित जी आर्मी भर्ती की तैयारी भी करते हैं जिसके बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं हम लोग इस मुद्दे पे मसले पे अलग अलग एंगल्स से कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए आप ललन टॉप दिख रहे थे थैंक यू